हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं। कक्षा 7वीं का है ये विषय। देखते हैं आपका अध्याय। आप इसके पहले हमने आपके अगले मतलब 5 तक अध्याय कंप्लीट करा दिए हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए अध्याय 6 लेके आए हैं। देखिए बच्चों, आपका अध्याय 6 का नाम क्या है? आपके अध्याय का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। क्या है आपके अध्याय का नाम? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, आपके एग्जाम में इसी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको राज शिक्षा केंद्र द्वारा प्राप्त हुई है। देखिए इसका पहला प्रश्न, वनस्पति की वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? वनस्पति की वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है? उत्तर देखिए, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, प्राकृतिक वनस्पति को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, उनका वर्णन कीजिए। देखिए इसका उत्तर, अगर आपको इसका और अच्छे से डिटेल चाहिए तो आप अपनी पुस्तक भूगोल के पृष्ठ क्रमांक 39 पे इसका उत्तर खोज के लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर, प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला वन, दूसरा घास स्थल, तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। तो वन है पहला, तो वन जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। वन कहाँ उगते हैं? परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ न वर्षा अधिक हो न कम हो। ठीक है, दूसरा देखिए, खा नंबर आपका घास स्थल। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक विकसित होते हैं घास। तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वनों की विशेषताएं लिखिए। क्या कह रहा है प्रश्न बच्चों? भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वनों की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर है, भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। कैसे होते हैं? ये क्षेत्र गर्म होते एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। मतलब पूरे साल भर क्या होती है? अत्यधिक वर्षा होती है, चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ कैसी होती हैं? पूरी तरह नहीं झड़ती। यहाँ की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 है, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों, इसका उत्तर है, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन एवं मानसूनी वन पाए जाते हैं। जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। इन क्षेत्रों में क्या होता है? मौसम परिवर्तन होते रहता है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम, जिनके फर्नीचर बनते हैं। आपने सुना होगा सागौन के पेड़ बोलते हैं जिसे हम, शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण मतलब भवन निर्माण में जो लकड़ियों की जरूरत पड़ती है,
निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक चौथा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक पाँच की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक पाँच क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक पाँच है आपका, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। मतलब ये तालिका दी हुई है, इसको हमें पूर्ण करना है। तो देखते हैं, ये देश और क्षेत्र है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में कटिबंध, तीसरे कॉलम में घास स्थल एवं मैदान। तो हमें ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास मैदान हैं, घास स्थल हैं, उत्तर अमेरिका में क्या है, ब्राज़ील में। वैसे इस मतलब इत, सभी के बारे में हमें इनके घास स्थल और मैदानों के बारे में बताना है। देखते हैं बच्चों, पहला क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है पहला। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। हमारे कितने महाद्वीप हैं, सात महाद्वीप होते हैं, जिसमें ये सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यहाँ पर कटिबंधीय मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से, डॉन डॉन। ठीक है बच्चों, देखते हैं उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय और घास स्थल क्या है, पेयरी। क्या है, पेयरी। और मतलब आपको पता है बच्चों, उत्तरी अमेरिका सुपीरियर झील, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील भी है जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है ना। और अब देखते हैं आगे, और ये संसार मतलब संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह भी न्यूयॉर्क कहाँ है, उत्तर अमेरिका में है। ठीक है, तीसरे नंबर का देखिए, ब्राज़ील। ब्राज़ील किसके लिए प्रसिद्ध है, कहवा की खेती के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, कटिबंधी कौन सा, उष्ण कटिबंधीय है, और घास का मैदान या स्थल क्या है, कंपोस। ठीक है, यहाँ क्या है, कंपोस है। और क्या है, वेनेजुएला उष्ण कटिबंधीय है ये भी, और लानोश यहाँ घास का स्थल या मैदान है। देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका शीतोष्ण कटिबंधीय और वेल्ड। दक्षिण अमेरिका आपको पता होगा यहाँ जोहान्सबर्ग और किम्बरले जो स्वर्ण नगर या हीरो का नगर से भी जाना जाता है, और दक्षिण अमेरिका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे इसका, पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में क्या है, पूर्वी अफ्रीका उष्ण कटिबंधीय है ये, और यहाँ घास स्थल या मैदान सवाना। यहाँ घास स्थल या मैदान क्या है, सवाना है। पूर्व अफ्रीका आपको पता है बच्चों, यहाँ नील नदी जो सबसे बड़ी झील मतलब सबसे बड़ी नदी है, और सबसे बड़ी झील भी विक्टोरिया झील है जो पूर्वी अफ्रीका में है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं आपके तालिका का, अर्जेंटीना। इसमें कौन सा कटिबंधी है, शीतोष्ण कटिबंधी, और घास स्थल या मैदान क्या है, पेम्पास है। ठीक है, तो ये अर्जेंटीना घास के मैदानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसे हम पेम्पास या पम्पास भी बोल सकते हैं। इसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है, और सबसे बड़ा ये मांस निर्यातक देश भी है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आपके प्रश्न क्रमांक छः की तरफ। देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक छठवा क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक छः कह रहा है, वृक्षों को काटकर वन साफ करने से क्या क्या हानियाँ होती है। ध्यान दीजिए बच्चों इस प्रश्न पे, वृक्षों को काटकर वन साफ करने से क्या क्या हानियाँ होती है। हमको ये बताना है कि वृक्ष कट जाएंगे तो हमारे जीवन में उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, हमको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको पता है वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। देखते हैं इसका उत्तर क्या कह रहा है। वृक्षों को काटकर वन साफ करने से भविष्य में मतलब आने वाला समय में, आने वाले समय में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जल वाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि नहीं मिल पाएंगे। मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, जो आप काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये क्या कहलाते हैं, मेवे कहलाते हैं, आदि नहीं मिल पाएंगे। और बच्चों, वनों की कटाई से पर्यावरण भी असंतुलित हो जाएगा। वनों को काटने से पर्यावरण मतलब पर्यावरण के खराब मतलब पर्यावरण का जो वातावरण खराब होने में वृद्धि होगी, मिट्टी और जल प्रदूषण में भी वृद्धि मतलब वृद्धि होते जाएगी। पर्यावरण में भी मतलब फिर गर्मी बढ़ जाएगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी, वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए हम और वनों की कटाई को हमें रोकना है। वनों की कटाई का सबसे नकारात्मक प्रभाव, सबसे महत्वपूर्ण मतलब जो है, स्वास्थ्य पे पड़ेगा इसका प्रभाव। ठीक है बच्चों,
उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगले, प्रश्न क्रमांक 7 है। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है? टुंडा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? टुंडा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? इन वनों के वन्य जीवों की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर देखिए इसका। टुंड्रा वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका के ध्रुवी प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। मतलब उनकी चमड़ी कैसी होती है? मोटी होती है, फरदार होती है, तो उन्हें ठंड कम लगती है। तो जैसे यहाँ पर कैसे जानवर पाए जाएंगे? सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, शीतोष्ण घास प्रदेशों में पाए जाने वाले वन्य जीवों के नाम लिखिए। इसका उत्तर देखिए। अगर आपको इसका और अधिक डिटेल चाहिए तो आप अपनी सामाजिक अध्ययन की बुक भूगोल में आप प्रश्न 44 पे इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। उत्तर देखिए, शीतोष्ण घास प्रदेशों में पाए जाने वाले वन्य जीव जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि हैं। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। विश्व का फलोदान किस क्षेत्र को व क्यों कहा जाता है? विश्व का फलोदान किस क्षेत्र को व क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर देखते हैं। विश्व का फलोदान भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि यह फलों की कृषि होती है। किसे कहते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब फलों की खेती अधिक होती है। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ, जो आपके अध्याय का आखिरी प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है। टेगा वन किन अक्षांशों पर पाए जाते हैं? टेगा वन किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? इनमें पाए जाने वाले वृक्षों के उपयोग लिखिए। इनमें पाए जाने वाले वृक्षों के उपयोग लिख लिए। हमें ये बताना है कि टेगा वन किन अक्षांशों में पाए जाते हैं और इनके वृक्षों के उपयोग भी लिखना है। देखिए इसका उत्तर। टेगा वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते। कैसे पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें टेगा भी कहते हैं। इन वनों के मुख्य पेड़ चीड़, देवदार आदि। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने, मतलब कैसा लुगदी, मतलब जिसे हम गोंद भी बोल सकते हैं, जिसे हम पेपर, कागज या कुछ अन्य चीज़ों को मतलब चिपका सकते हैं, लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। क्या आती है? अखबारी कागज बनाने के काम आती है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं बच्चों आपके लिए अगले अध्याय में अगले वीडियो के साथ। ठीक है।